जय जिनेन्द्र वंदितु सव सिद्धे धुव ममल मणोवमं गदिं पते वो चामि समय पाहुड़ मिणिमो सुद केवली भणिदं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सारजी ग्रंथादि राज का हम बंधाधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने पांच प्रकार के पापों के बारे में समझा। जो उनका त्याग करता है वह पुण्य का बंध करता है, जो उन पांचों पापों में लगा रहता है वह पाप का बंध करता है। आइए उसके आगे हम समझते हैं। आज की इस कक्षा में आचार्य भगवान वास्तव में यह जीव संसार में जो परिभ्रमण करता है या इसके जो कर्म बंध होता है उसका मूल कारण क्या है वो हम समझेंगे। आज की ये जो गाथा है, गाथा क्रमांक 277, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें वास्तविकता का परिचय कराने वाली है। इसमें क्या समझा रहे हैं आचार्य भगवान? वस्तु कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुखी दुखी नहीं करती है। वास्तव में जीव सुखी दुखी क्यों होता है? अपने कर्म बंध के निमित्त से, अपने कर्म के उदय से। यही बात हमें अच्छी तरह से समझनी है। कर्म बंध में कारण कौन? जीव के रागादि भाव अथवा वस्तु। उत्तर मिलेगा जीव के रागादि भाव। देखिए वही हम समझते हैं। वत्थुं पडुच्च जम्पुण अज्वसानं तु होदि जीवानं नह वत्थु दोदु बंधो अज्वसानेन बंधोत्ति। बोलिए वत्थुं पडुच्च जम्पुण अज्वसानं तु होदि जीवानं नह वत्थु दोदु बंधो अज्वसानेन बंधोत्ति। वत्थुं पडुच्च जम्पुण अज्वसानं तु होदि जीवानं नह वत्थु दोदु बंधो अज्वसानेन बंधोत्ति। गाथा का शब्दशः अर्थ देखें। वत्थुं पडुच्च जम्पुण, वत्थुं अर्थात वस्तु का, पडुच्च अर्थात आलंबन लेकर, पडुच्च से तात्पर्य प्रत्यय कारण वस्तु के निमित्त से, जम अर्थात जो, पुण मतलब पुनः है, अर्थात जो वस्तु का आलंबन लेकर के वस्तु के निमित्त से अध्यवसानम अध्यवसान, अध्यवसान का तात्पर्य जीव के भाव राग द्वेष आदि भाव, तो मतलब तो होदि मतलब होते हैं, जीवाणम जीवों के, जीवों के अध्यवसान क्यों होता है? इसलिए क्योंकि वे वस्तु का आलंबन लेते हैं, वस्तु का निमित्त प्राप्त करते हैं, उन वस्तु के निमित्त से पदार्थों के कारण से अध्यवसान जीवों के होता है। णह वत्थु दो दुबंधो, णह अर्थात नहीं, वत्थु दो मतलब वस्तु से, बंधो अर्थात बंध होता है, वस्तु से बंध नहीं होता अपितु अध्यवसानेण बंधोत्ति, अध्यवसान से ही बंधोत्ति बंध होता है। कितनी स्पष्ट बात आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि वस्तु बंध में कारण नहीं है अपितु वस्तु के साथ में या वस्तु को जानने देखने के पश्चात या जो वस्तु वहां पर उपस्थित है या नहीं भी है उस अपेक्षा से भी जो अध्यवसान है अर्थात राग द्वेषादि जीव के भाव हैं वे वास्तव में बंध के कारण हैं। लोग या बहुत व्यवहार में जो ऐसा देखा जाता है कि वस्तु बंध में कारण होती है, लोग वस्तुओं को मानते हैं बंध में कारण, आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ऐसा नियामक नियम नहीं बना सकते कि वस्तु बंध में कारण है या वस्तु बंध में कारण नहीं है, अपितु बंध में कारण तो जीव का अध्यवसान है। हाँ, वह अध्यवसान क्यों हुआ उसमें वस्तु निमित्त है, लेकिन बंध में साक्षात कारण वस्तु नहीं हो सकती है अपितु जीव के राग द्वेषादि जो परिणाम हैं भाव हैं वे ही उसके लिए बंध का कारण होते हैं। फिर से गाथा का अर्थ देखें। वत्थुं पडुच्च अर्थात वस्तु का आलंबन लेकर के, जम अर्थात जो, जीवाणम अर्थात जीव होते हैं, वे जीव जब वस्तु का आलंबन लेते हैं
अध्यवसानम होती, उनके अध्यवसान होता है, अर्थात जीवों के अध्यवसान वस्तु के आलंबन से होता है। नहवत्थु दोद बंधो, वस्तु से बंध नहीं होता है अपितु अध्यवसानेण बंधोति, जो अध्यवसान है जीव के रागादि भाव है वे ही बंध के कारण है, उनसे ही बंध होता है। गाथा का भावार्थ देखें। पुनः चेतन और अचेतन, ये वस्तु दो प्रकार की उस अपेक्षा से कथन किया है, चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, इनका आलंबन लेकर के जीवों के है रागादि अध्यवसान होता है। वास्तव में वस्तु से बंध नहीं होता, अध्यवसान से बंध होता है। भैया जी, अध्यवसान से क्या तात्पर्य है? अध्यवसान से तात्पर्य जीवों के परिणाम, लेकिन जीव के परिणाम भी कैसे, राग द्वेष आदि रूप जो विकारी भाव है वे यहाँ पर अध्यवसान के रूप में ग्रहण किए गए हैं। कहने का तात्पर्य हुआ, जीव जो कर्म के निमित्त से राग द्वेष आदि रूप विकारी भाव करता है, या जिसे हम भाव कर्म कहते हैं, उसे यहाँ पर अध्यवसान नाम दिया गया है। और यही बात आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, उसी अध्यवसान के कारण से कर्मों का बंध होता है, वस्तु के कारण से कर्मों का बंध नहीं होता। भैया जी, वस्तु से बंध क्यों नहीं होता? वस्तु से बंध इसलिए नहीं होता क्योंकि दो प्रकार के सिद्धांत अन्वय और व्यतिरेक कहे गए हैं न्याय शास्त्रों में। यदि हम वस्तु से बंध मानेंगे तो उनमें दोष आता है। समझें इन दोनों सिद्धांतों को। अन्वय किसे कहते हैं? एक के होने पर दूसरे का होना। व्यतिरेक एक के नहीं होने पर दूसरे का भी नहीं होना। कहने का तात्पर्य है, अन्वय की जब हम बात करेंगे, वस्तु के होने पर कर्म का बंध होना, यदि हम ऐसा मानेंगे तो बहुत बार ऐसी अवस्था बनती है कि वस्तु होती है फिर भी कर्मों का बंध नहीं होता। व्यतिरिक्त दृष्टांत की अपेक्षा से हम समझेंगे, वस्तु के नहीं होने पर भी कर्मों का बंध नहीं होना। यदि हम ऐसा मानेंगे, वस्तु सामने रखी हुई है, वस्तु नहीं है, वस्तु सामने नहीं रखी हुई है तो कर्मों का बंध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जीव के राग द्वेष आदि विकारी भाव उसके वहाँ जागृत हो रहे हैं वस्तु के नहीं होने पर भी, फिर भी कर्मों का बंध देखा जाता है। एक उदाहरण मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, जब हनुमान जी पंचमेरु की वंदना करके लौट रहे थे, उस समय उनके मन में विचार आया और जब वहाँ पर वह दर्शन कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि आकाश में कोई एक तारा टूटा। तारा टूटा तो उन्होंने निमित्त ज्ञान से जाना ये ऐसा क्यों हुआ, तो उन्हें समझ में आया कि किसी ज्योतिषी देव की आयु का समापन हुआ और उसका जो शरीर है, जो चमकदार शरीर है, वह समाप्त हुआ। उस दृश्य को देख करके उन्हें वैराग्य हो आया। उनके मन में विचार हुआ, जो ये देव सागरों की आयु प्राप्त करने वाले हैं, हजारों हजारों वर्ष तक रहने वाले हैं, क्या इनकी भी मृत्यु होती है? ये भी सुख भोग को छोड़ करके इन्हें भी नया जीवन लेना पड़ता है। ऐसा सोच करके उन्हें वैराग्य हो आया, नहीं मुझे अब संसार में नहीं रहना। लेकिन अचानक से अपने घर की जो रानियाँ थी वो भी उन्हें स्मरण में हो आई। अब उनकी आत्मा दो भागों में बट गई। दो भागों में बट गई से तात्पर्य है, उनकी आत्मा में द्वंद्व चलने लगा, मैं क्या करूँ, मैं घर की तरफ जाऊँ या मैं वैराग्य की तरफ बढ़ूँ। अंत में निर्णय ये हुआ, मुझे तो वैराग्य को ही प्राप्त करना है। वे घर गए, घर जाकर के उन्होंने अपनी सभी रानियों को बुलाया और बुला करके कहा, अब मैं गृह त्याग कर रहा हूँ, वैराग्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं दीक्षा लूँगा, अब मैं घर में नहीं रह सकता। ऐसा सुनना था कि सभी रानियाँ उनके पैरों में लिपट गई, कहा, स्वामी क्या कर रहे हो, अभी तो आप युवा हो, कामदेव हो, अभी तो सुखोभोग भोगने की उम्र है, जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओ तब दीक्षा ले लेना, हमारा क्या होगा, हम आपकी रानियां हैं। इस तरह की बातों से जब रानियां उन्हें वापस संसार में उलझाने लगी, तब हनुमान जी बोले, अब पहले तुम मेरी रानियां थी, अब मेरी रानियां नहीं हो, मैं तो दीक्षा ही लूंगा। इस उदाहरण से हमें क्या समझना है, वस्तु है लेकिन फिर भी बंध नहीं है, फिर भी राग नहीं है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि वस्तु हो और बंध हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि वस्तु नहीं होती फिर भी बंध होता है। कोई व्यक्ति है, यहाँ पर बैठा बैठा चिंतन कर रहा है कि मेरे पास में इतना रुपया है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना परिग्रह है। जैसे कि शास्त्रों में बहुत बार उदाहरण मिलता है, कोई मुनि तो बन गए
लेकिन वो वस्तु उनके पास में नहीं है। पुष्पीडाल मुनि महाराज का उदाहरण हमें स्मरण करना चाहिए। पुष्पीडाल मुनि महाराज मुनि बन गए लेकिन फिर भी अभी तक भी उनके माइंड में अपनी पत्नी ही चल रही है। वस्तु नहीं है फिर भी कर्म का बंध हो रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य है, वस्तु कर्म बंध में कारण नहीं होती है। हमें अच्छी तरह से इस बात को समझना है, वस्तु नहीं होने पर भी कर्म बंध हो सकता है, वस्तु के सामने उपस्थित होने पर भी कर्म बंध नहीं हो सकता है। डिपेंड करता है राग द्वेषादि रूप परिणाम, इसलिए वस्तु बंध में कारण नहीं कही गई। भैया जी, तो वास्तव में कर्म बंध में कारण कौन है? जैसा कि इस गाथा के अंतिम चरण में कहा गया, अध्यवसानेन बंधोति, अध्यवसान से बंध होता है। कर्म बंध में कारण कौन? अध्यवसान। अध्यवसान से क्या तात्पर्य? जीव के राग द्वेषादि रूप भाव। जानना देखना या वस्तु का होना कर्म बंध में कारण नहीं है, या वस्तु का नहीं होना कर्म बंध नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में जीव जो राग द्वेष आदि रूप भाव करता है वही उसके लिए कर्म बंध में कारण होता है। एक उदाहरण से और हम समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसको गर्मी लग रही है, उसने पंखा चालू किया, उसे सुख की अनुभूति हो रही है। वही पास में बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, उसे बुखार है, उसके लिए वही वस्तु, वह जो पंखा है, वह जो हवा है, उसको दुखी कर रही है। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, क्या पंखे ने किसी को सुख दिया, किसी को दुख दिया? उत्तर मिलेगा, पंखे ने किसी को सुख दुख नहीं दिया, पंखे ने तो हवा दी है। हकीकत में पंखा किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। पंखा कर्म बंध में कारण नहीं है। उस पंखे के निमित्त से जो राग कर रहा है वो उसके कर्म बंध में कारण है, जो द्वेष कर रहा है वो उसके कर्म बंध में कारण है। कदाचित ऐसी प्रवृत्ति भी हो, मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन हैं, बहिरंग में उनको बहुत सी वस्तुएं हो सकता है परेशान कर रही हो, उपसर्ग हो रहा हो, अच्छी ठंडी हवा भी चल रही हो, लेकिन उस शीतल हवा में भी वो मन में ये विचार करे, नहीं मुझे तो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना है। उस ठंडी शीतल हवा के प्रति भी उनका राग नहीं है, वस्तु के होने पर भी वो उससे राग नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर उनके कर्म का बंध नहीं होता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य यही हुआ, अध्यवसान अर्थात जीव के रागादि जो भाव हैं वे कर्म बंध में कारण होते हैं, वस्तु साक्षात कर्म के बंध में कारण नहीं होती। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पंचेन्द्र के विषय को लखता जभी से, रागादि मान यह आत्म हो तभी से। वस्तुतः विषय बंधक वे नहीं है, रागादि भाव विधि बंधक है सही है। इन चार पंक्तियों में भी आचार्य श्री बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जो बात गाथा में कही, पंचेंद्री के विषय को लखता जभी से, यह जीव जब पांचों इंद्री के विषयों को देखता है उनमें प्रवृत्त होता है, रागादिमान यह आत्म हो तभी से, यह आत्मा तभी से रागादि से युक्त हो जाती है। लेकिन पे मतलब फिर भी, वस्तुतः विषय बंधक वे नहीं हैं, वे जो पंचेंद्री के विषय हैं वे बंधक नहीं हैं। यदि पंचेंद्री के विषय बंधक होते तो वहाँ पर हनुमान जी जो अपनी रानियों के साथ में हैं, अभी दीक्षा को नहीं लिए, वस्तु सामने हैं, फिर उन्हें बंध होना चाहिए, लेकिन अब तो वे वैराग्य से युक्त हो गए हैं। मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन हैं, उन्हें डिगाने के लिए कोई देवी कोई अप्सरा वहाँ पर आई है, किसी तरह का कोई नृत्य हो रहा है, वस्तु उपस्थित है, तो भी बंध नहीं है क्योंकि वे आत्म ध्यान में लीन हैं। वास्तव में रागादि भाव विधि बंधक, विधि मतलब कर्मों का बंध कराने वाले करने वाले कौन हैं? रागादि भाव, उन्हीं भावों से कर्मों का बंध होता है। अब इसी बात को और आचार्य भगवान जो इस तरह से संसार में लोग मानते हैं कि मैंने किसी को दुखी किया किसी को सुखी किया, इस तरह की यदि कोई बुद्धि रखता है तो आचार्य भगवान कहते हैं ये तुम्हारी बुद्धि मिथ्या है, निरर्थक है। क्यों इस तरह की तुम बुद्धि करते हो? वास्तव में जीव सुखी दुखी तो अपने कर्म के उदय से होता है। देखें अगली गाथा। दुखिद सुहिदे जीवे, दुखिद सुहिदे जीवे,
करे मि बंधे मितह विमोचे मि करे मि बंधे मितह विमोचे मि जाए सा तुझ मदी जाए सा तुझ मदी निरथया साहुदे मिच्छा निरथया साहुदे मिच्छा। बोलिए दुखिद सुहिदे जीवे करे मि बंधे मितह विमोचे मि जाए सा तुझ मदी निरथया साहुदे मिच्छा। दुखिद सुहिदे जीवे करे मि बंधे मितह विमोचे मि जाए सा तुझ मदी निरथया साहुदे मिच्छा। मैं जीवों को दुखी बनाता हूँ, मैं जीवों को सुखी बनाता हूँ, करे मि अर्थात करता हूँ। मैं जीवों को सुखी करता हूँ, मैं जीवों को दुखी करता हूँ। बंधे मि अर्थात बांधता हूँ अथवा बंधवाता हूँ, तह मतलब और, विमोचे मि अर्थात छुड़ाता हूँ या छुड़ा सकता हूँ। मैं जीवों को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, उन्हें बांधता हूँ अथवा बंधवाता हूँ, उन्हें छुड़ाता हूँ अथवा छुड़वा सकता हूँ। जा ऐसा तुझ मदी, जा मतलब जो, ऐसा मतलब ऐसी, इस प्रकार की, तुझ मतलब तेरी, तुम्हारी, मदी अर्थात मति है, बुद्धि है, जो इस प्रकार की तुम्हारी बुद्धि है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कैसी है वह बुद्धि, निरर्थया, निरर्थक है, सार्थकता नहीं है उस बुद्धि में, उस विचार में कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा सोचना व्यर्थ है। सा मतलब वह हुदे और तेरी वह बुद्धि मिच्छा अर्थात मिथ्या है, गलत है। ऐसा तू क्यों सोच रहा है कि तू किसी जीव को दुखी कर सकता है, किसी जीव को सुखी कर सकता है, किसी जीव को बंधवा सकता है, किसी जीव को छुड़वा सकता है। इस तरह की जो मान्यता है, इस तरह की जो ये तेरी बुद्धि है, ये वास्तव में मिथ्या है। संसार में ऐसा देखा जाता है, ऐसी बुद्धि रखने से कर्मों का बंध होता है, जीव व्यर्थ में ही राग द्वेष में फंसता है, और वही तो अध्यवसान है, और वही अध्यवसान कर्मों का बंध का निमित्त है, जैसा कि हमने पूर्व गाथा में पढ़ा। इसलिए आचार्य भगवान बड़े करुणा भाव से हमको यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो इस तरह की बुद्धि रखता है, किस तरह की, एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जीवे अर्थात जीवों को दुखिद सुहिदे करेमी, मैं दुखी करता हूँ, सुखी सुहिदे करोमी, सुखी करता हूँ। बंधे मि, मैं जीवों को बांधता हूँ, तह और उसी तरह विमोचे मि, मैं उन जीवों को छुड़ाता हूँ, छुड़ा सकता हूँ। जा ऐसा तुझ मदी, जो इस प्रकार की तेरी मदी अर्थात मति है, बुद्धि है, जो इस प्रकार का तेरा अभिप्राय है, जो इस प्रकार का तेरा विचार है, निरर्थया, वह निरर्थक है, कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है। साहुदे मिच्छा, आचार्यों ने उस बुद्धि को मिथ्या कहा है, अर्थात झूठ है, गलत है, ऐसा सोचना व्यर्थ है। क्यों, तू कौन होता है किसी को सुखी दुखी करने वाला, तू कौन होता है किसी को बांधने वाला अथवा छुड़वाने वाला, ये सब तो कर्म के निमित्त से होता है, तू तो निमित्त मात्र है। इसलिए तेरे कारण से कोई जीव दुखी सुखी नहीं होता है, इस प्रकार की जो बुद्धि है इसको समीचीन कर। अपनी बुद्धि को क्या समीचीन बनाना, अपनी बुद्धि को इस तरह से समीचीन बनाना, मैं किसी जीव को सुखी दुखी नहीं करता, मेरे कारण से कोई सुखी दुखी नहीं होता, ये तो सब कर्म के उदय से सामने वाला सुखी दुखी होता है, या मुझे किसी ने सुखी दुखी नहीं किया, मेरा अपना स्वयं का कर्म है, इस कारण से मैं दुखी सुखी हो रहा हूँ। इस तरह की मान्यता, अपने कर्म के उदय से हम ये सब मिले हैं, ये सब पर्याय होती है, इस तरह की मान्यता हमें बनानी चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। हे भाई, तेरी जो ऐसी मूढ़ बुद्धि है कि मैं इन जीवों को दुखी या सुखी करता हूँ, बांध सकता हूँ या छुड़ा सकता हूँ, यह तेरी मोह रूप बुद्धि है, निरर्थक है, मिथ्या ही है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। भैया जी, देखा तो जाता है कि किसी को कोई सुखी दुखी करता है, प्रेरणा मिथ्या कैसे हुई? आपने जो कहा, ऐसा देखा जाता है,
संसार में ऐसा देखा जाता है कि उसके निमित्त से कोई सुखी हुआ, कोई दुखी हुआ, लेकिन वास्तविकता की तरफ हम ध्यान देंगे तो फिर वह सुखी दुखी क्यों हुआ? सुखी इसलिए हुआ क्योंकि उसके सातावेदनी कर्म का उदय है। दुखी क्यों हुआ? क्योंकि उसके असातावेदनी कर्म का उदय है। सामने वाला हमें कितना भी सुखी बनाने का प्रयास करे, लेकिन यदि हमारा सातावेदनी का उदय नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सकते। सामने वाले को हम कितना भी कष्ट, कितना भी दुख देने की कोशिश करें, लेकिन जब तक उसके असातावेदनी का उदय नहीं आएगा तब तक वो दुखी नहीं हो सकता। इसलिए लोक व्यवहार की है मान्यता, भले ही हो उसने पैसे दे दिए इसलिए वो खुश हो गया, लेकिन उसको पैसे जो मिले वो लाभांतराय कर्म के तीव्र क्षयोपशम से मिले, उसमें भी तो कर्म निमित्त हैं। वास्तविकता में सुख दुख सब कर्माधीन हैं, लेकिन वे कर्म भी हमारे स्वयं के अधीन हैं। इसलिए हम ऐसे कर्म करें जिससे हम भविष्य में दुखी ना हो, संसार सुख को भी सुख नहीं मान करके आत्मिक सुख को समझें और आत्मिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास करें। भैया जी, युद्ध में भी तो बांधना देखा जाता है, फिर ये धारणा गलत क्यों? हाँ, देखने में तो आता है, सैनिकों ने मिलकर के राजा को बांध दिया, तो सैनिक यदि कहे कि मैंने राजा को बांधा, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में तो वह व्यक्ति उस जीव के, उस राजा के स्वयं कर्म का ऐसा निमित्त पड़ा है, ऐसा उदय आया है कि वह बंधा है वहाँ पर, उसके द्वारा, उस कर्म के द्वारा उसे बांधा गया है, इस कारण से उस कर्म के उदय से वह जीव बंधा है। लेकिन अब अगर कोई ये प्रश्न करता है कि फिर जब देखा जाता है तो फिर इस तरह की बुद्धि रखने में क्या आपत्ति है? वास्तविकता में देखें तो इस तरह की बुद्धि से कर्मों का बंध होता है। इस तरह की बुद्धि में कर्तृत्वपना झलकता है, जिस कारण से वह व्यक्ति मैंने इसको बांधा, इस तरह की धारणा रखता है जो कि गलत कही गई है। भैया जी, कोई जीव की इच्छा हेतु उसे छुड़ाता तो है, तो क्या उसे भी गलत माना जाए? हम जो समयसार जी महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं, इसमें पुण्य और पाप दोनों को छोड़ने की बात कही है। कोई व्यक्ति जीव रक्षा हेतु किसी को छुड़ाता है या उन जीवों को छुड़ाता है, जैसे कहीं गायों से भरा हुआ ट्रक जा रहा था कत्ल खाने में, उन्हें मारने के लिए लोग ले जा रहे थे, कोई आया और उसने उस ट्रक को छुड़ा दिया, गायों को मुक्त कर दिया, तो वह अगर व्यक्ति ये कहता है मैंने गायों को छुड़ाया, तो आपका प्रश्न हो सकता है कि फिर इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, उस जीव को उन गायों की रक्षा करने के निमित्त से महान पुण्य का बंध होगा। लेकिन हम जो समय सारजी ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं, इसमें उस पुण्य की भी अवहेलना की है। यहाँ पर शुद्धोपयोग में, निर्विकल्प समाधि में स्थित होने की बात कही है, इसलिए उन मुनि महाराज की अपेक्षा से यहाँ पर कथन है। यदि कोई किन्हीं को छुड़ाता है तो यहाँ पर उसे हिंसा का दोष नहीं लगेगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत बोल रहा है, उसे तो पुण्य का बंध होगा ही होगा, जीवों की रक्षा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। अगर ऐसा अवसर आए तो यहाँ पर वहाँ समय सार जी की गाथा लगा करके ऐसा मत सोचना कि हमने जीवों को छुड़ाने के लिए आचार्य भानाज ने मना किया है तो हम उनको मरने दें, ऐसा नहीं। ये गाथा हमें कहाँ लगानी है? जब हम मुनि बन जाएं, निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाएं, तब उस समय हम ऐसा चिंतन करें, मैं किसी को नहीं छुड़ाता, मैं किसी को नहीं बांधता, कोई जीव किसी को सुखी दुखी नहीं करता। इसलिए अच्छी तरह से गाथा कहाँ कैसे लगानी है ये भी हमको समझना है। हम समय सारजी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये जिनके लिए लिखा है वहाँ पर उस स्थान पे लगाएं, लक्ष्य तो हमें भी वही प्राप्त करना है, लेकिन जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हम जो पुण्य बंध की क्रियाएं हैं वो हम कार्य करें। आज जो हमने दोनों गाथाएं पढ़ी उनका यही सार है कि जो इस तरह की मान्यता रखता है कि संसार में मैंने किसी को सुखी दुखी किया अथवा मेरे निमित्त से कोई सुखी दुखी हुआ, ऐसा नहीं है। वस्तु कर्म बंध में कारण नहीं होती है, वास्तव में जीव का राग द्वेष रूप जो भाव होता है वही उसके कर्म बंध में कारण है। हम कर्म बंध से छूटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो हम अपने राग द्वेष भावों को कम करें और कम करते करते एक समय ऐसा लाएं कि पूर्णतया राग द्वेष आदि भावों से रहित हो जाएंगे तो कर्मों का बंध समाप्त हो जाएगा। गाथा क्रमांक 278 का पद्यानुवाद देखें। मैं आपको अति दुखी व सुखी बनाता या बांधता, झटिति बंधन से छुड़ाता, ऐसी त्वदीय मति सन्मति हारिणी है, मेरी
मिथ्यामयी विषमयी दुख कारिणी है। दो शब्द हैं जिनका अर्थ देखें, झटिति अर्थात शीघ्र ही, अर्थात मैं किसी को शीघ्र ही बंधन से छुड़ाता हूँ। तीसरी पंक्ति में कहा, यदि इस तरह की तुम्हारी बुद्धि है, त्वदी अर्थात तुम्हारी, तो वह मति अर्थात बुद्धि कैसी है, सन्मति हारिणी, समीचीन बुद्धि को नष्ट करने वाली है, अर्थात मिथ्या बुद्धि है, इसलिए हम अपनी बुद्धि को समीचीन बनाएं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद,